न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया COVID-19 संक्रमण की चुनौतियों की समीक्षा, अब तक किए गए कार्यों की सराहना, कहा मेडिकल इन्फेक्शन, सब्जी मंडी और प्रवासी मजदूरों का रखे ध्यान, जिससे मिल सके कोरोना से निजात। मंडलायुक्त और डीआईजी ने किया कुशीनगर के L1 अस्पताल का निरीक्षण, निगरानी समिति के साथ बैठक कर किया हौसला अफजाई। कोरोना मरीजों के मद्देनजर तिलक मैरिज हॉल सहित दो और बनाए गए हॉट स्पॉट, SDM सदर ने कहा पुराने हॉट स्पॉट पर भी रहेगी नजर, सभी आवश्यक वस्तुओं की होगी होम डिलीवरी। प्रदेश के प्रमुख सचिव ग्राम विकास और आयुक्त ग्राम विकास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में चल रही विभिन्न विकास की योजनाओं की समीक्षा, कहा मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाए धनराशि तथा जल संरक्षण के लिए हो प्रयास। गोरखपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण का नहीं रुक रहा सिलसिला, मिले 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस, संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 74, 18 कोरोना संक्रमित ठीक होकर हुए डिस्चार्ज, अब जिले में कोरोना एक्टिव केस 51, CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। DM और SSP ने शुक्रवार को किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, बैठक कर लिया व्यवस्थाओं का जायजा, 1 जून से रेलवे द्वारा चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नगर निगम स्थित सदन हाल में शासन से मनोनीत नगर निगम के नामित पार्षद गणों का शपथ ग्रहण और अभिनंदन कार्यक्रम का किया गया आयोजन, महापौर सीताराम जायसवाल ने पार्षद गणों को दिलाई शपथ, दी शुभकामनाएं। जंगल कौड़िया से लेकर मोहद्दीपुर तक बनाए जा रहे फोर लेन निर्माण में आई तेजी, SDM सदर ने कहा अधिग्रहित जमीन की रजिस्ट्री के साथ मालिकों को दिया जा रहा है मुआवजा, जिससे समय से पूरा हो सके फोर लेन का निर्माण। जिला अस्पताल के पास बन रहे ए श्रेणी के विधि विज्ञान प्रयोगशाला का शुक्रवार को DM और SSP ने किया निरीक्षण, कहा शेष बचे कार्यों को जल्द करें पूरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शुक्रवार को 24,000 श्रमिकों को लेकर गोरखपुर स्टेशन पहुंची 21 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, पूरा डिटेल नोट करने के बाद परिवहन निगम की बसों से श्रमिकों को उनके जिलों को किया गया रवाना। मेडिकल कॉलेज से चल रही प्राइवेट एम्बुलेंस के मनमानी रेट लेने की शिकायत का सिटी मजिस्ट्रेट ने लिया संज्ञान, एम्बुलेंस चालकों के साथ बैठक करके किलोमीटर के हिसाब से किया रेट निर्धारित। आयुष्मान योजना और हौसला साझेदारी मिशन से जुड़े अस्पतालों के लिए राहत भरी खबर, 90 अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग निःशुल्क देगा कोरोना किट, आयुष्मान योजना और हौसला साझेदारी मिशन से जुड़े हुए अस्पताल होंगे शामिल। जिला प्रशासन द्वारा जारी रोस्टर का सभी दुकानदार करें पालन, ADM सिटी ने कहा रोस्टर तोड़कर दुकान खोलने वाले दुकानदारों के खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्रवाई। और जिला अस्पताल में पिछले 15 दिनों से थायराइड की नहीं हो रही जांच, मरीजों को प्राइवेट लैब में करवानी पड़ रही थायराइड की जांच, प्रमुख अधीक्षक ने कहा मशीन को जल्द ठीक कर जांच का क्रियान्वयन होगा प्रारंभ।